कोल इंडिया में रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। कोल इंडिया, इनका वेबसाइट है coalindiatenders.nic.in/nicgep/app, ये इनका वेबसाइट का पूरा नाम है। यहाँ पे हम लोग बीडर का इनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले चाहिए क्या क्या, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, है ना, जो आपकी कंपनी का ओनर या डायरेक्टर है उनका पूरा डिटेल्स, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी, एक ईमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर, आप चाहो तो वही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यूज कर सकते हो, उद्यम है तो उद्यम का नंबर या कोई भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर, चाहे जीएसटी नंबर डालो या आपके पास यदि कोई लाइसेंस वगैरह है, जैसे पीडब्ल्यूडी का लाइसेंस है, जिला परिषद का लाइसेंस है या कोई भी लाइसेंस है तो वो लाइसेंस का नंबर, या सॉप एक्ट है जिसको घुमास्ता भी बोलते हैं, सॉप एक्ट का नंबर, या आपके पास कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी प्रूफ है तो उसका प्रूफ का वो नंबर, वो एक होना चाहिए बस, और एड्रेस, इतना चीज आपको यहाँ पे डालना, इतने चीज की आपको जरूरत पड़ेगी बीडर इनरोलमेंट करते वक्त। अब बीडर इनरोलमेंट करना क्यों है, यदि आपको इस साइड पे टेंडर भरना है, इस साइड पे, तो आपको यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको डिजिटल सिग्नेचर लगेगा, याद रखो रजिस्ट्रेशन होने के बाद डिजिटल सिग्नेचर लगेगा, इतने सारी चीजें यहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करें, कोई भी वेबसाइट हो, ऐसा नहीं मैं कोल इंडिया बता रहा हूँ, इसका मतलब खाली कोल इंडिया में रजिस्ट्रेशन नहीं, चाहे आप अरुणाचल प्रदेश में करो, जम्मू कश्मीर में करो, टेंडर महाराष्ट्र में करो, या सीपीपी के पोर्टल में करो, मिलिट्री में करो, पीएमजीएसवाई में करो, या कोई भी वेबसाइट में करो, सबका प्रोसेस एक जैसा, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ एक वेबसाइट से। तो यहाँ पे करते हैं ऑनलाइन बिडर इनरोलमेंट, होम पे जाने के बाद आपको यहाँ मिलेगा ऑनलाइन बिडर इनरोलमेंट, यहाँ पे क्लिक करना, तो ये एक फॉर्म खुल जाएगा, ये फॉर्म जैसे ही खुल जाएगा फिर आपको यहाँ पे अपना डिटेल्स डालना है। देखो लॉग इन आई डी, आप लॉग इन आई डी कुछ भी नहीं डाल सकते, लॉग इन आई डी जो भी डालेंगे वो ईमेल आई डी के फॉर्म में रहेगा, तो मैं बेटर वे है मुझे लॉग इन आई डी याद रखना पड़ेगा, तो लॉग इन आई डी को मैं क्या कर रहा हूँ, ईमेल आई डी के फॉर्म में ही डालना है, तो मैं ईमेल आई डी को ही लॉग इन आई डी बना देता हूँ, जैसे कि मैं आदित्य पंडित 0508@gmail.com, ये मेरा हो गया लॉग इन आई डी, इसके लिए कोई फीस नहीं लगता, कोई चार्जेस नहीं लगता, इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। ईमेल, तो मेरा लॉग इन आई डी ही ईमेल आई डी है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मोबाइल यहाँ पे सिलेक्ट है, इसका कोड, इंडिया का कोड क्या है, IND 91, है ना, 91, मोबाइल नंबर मेरा 9518327077। हमारा पहला पार्ट, तो हमने ये भर दिया। सेकंड पार्ट, कंपनी डिटेल्स, सेकंड पार्ट में क्या है, कंपनी, अभी यहाँ पे कंपनी का इंफॉर्मेशन, कंपनी का नाम क्या है, तो मेरा कंपनी का नाम क्या है, भगत, ये मेरे कंपनी का नाम है तो मैंने डाल दिया। मुकेश, आपका इंडिविजुअल नाम से कंपनी है, हो सकता है आपका कंपनी का नाम से कंपनी नहीं है, आदित्य पंडित बोल के मेरा इंडिविजुअल, मैं कंपनी का नाम जैसा है वैसा ही डालेंगे, जिस नाम से जीएसटी है या जिस नाम से बाकी के डॉक्यूमेंट से। अभी कुछ लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर का रजिस्ट्रेशन होता है, वो लोग, मेरे पास यदि अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर का रजिस्ट्रेशन होता और मैं यहाँ पे भगत टेक्नो डाल देता तो ये रजिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होता, ये गलत तरीका है। यदि आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर का रजिस्ट्रेशन है तो आपको खुद के नाम से ही रजिस्ट्रेशन करना है, आपका नाम ही आपका कंपनी है, और बाकी लोग जैसे आपके पास बाकी के डॉक्यूमेंट्स है, जीएसटी जैसा है, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस है, या फिर जो भी आपके पास जो सभी डॉक्यूमेंट जिस नाम से है वो नाम कंपनी का आप डालें। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट्स है? हेलो सर, हाँ बोलिए सर। अभी अगर मेरे पास अनएम्प्लॉयमेंट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो वहां पे मेरा नाम आएगा कंपनी, आपका नाम आएगा, यस यस, और अगर मैं किसी दूसरे के लिए वो फॉर्म भर रहा हूँ तो मुझे हर बार ये रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत पड़ेगी क्या? सर ये एक बात, यदि उनके पास यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उनका करना पड़ेगा, यदि ऑलरेडी उनका पहले से रजिस्ट्रेशन है तो नहीं करना पड़ेगा, फिर उनके पास आईडी और पासवर्ड रहेगा,
आईडी पासवर्ड और डीएसटी से आप डायरेक्ट लॉग इन करेंगे। ओके, मतलब अगर किसी दूसरे के लिए भरना है तो उनका ही लॉग इन और पासवर्ड मुझे लेना पड़ेगा। हाँ लेना पड़ेगा आपको, लॉग इन आईडी पासवर्ड और डिजिटल सिग्नेचर भी। ओके, या फिर उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो एक लॉग इन आईडी और पासवर्ड आप बना सकते हो, और फिर यहाँ पे डीएससी इनरोलमेंट करेंगे, जिसको डीएससी मैपिंग भी बोलते हैं, वो मैं आगे सिखाऊंगा। क्लियर है यहाँ तक? अभी मुझे मेरे पास ये एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट भी है। हाँ। और मेरे नाम मतलब मेरे कंपनी भी है, तो हाँ। मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, आप एक ही, आप फिर दो रजिस्ट्रेशन कर लो, एक आपके नाम से कर लो और एक आपके कंपनी हाँ। के नाम से कर लो, और दो डिजिटल सिग्नेचर बना लो, उसका लॉग इन आई डी ईमेल, सिर्फ लॉग इन आई डी बदल दो, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर हो ही रख लो। अच्छा ओके, उसमें ऐसे कर सिर्फ सकते हैं। कंपनी के लिए जीएसटी वगैरह लगेगा, लगेगा, सब कुछ लगेगा। और पर्सनल के लिए इम्प्लॉय अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर को जो छूट है, उसका जो बेनिफिट मिलता है, वो बेनिफिट मिलेगा। अच्छा ओके, उसमें जीएसटी की वगैरह जरूरत नहीं है ना पर्सनल? जीएसटी की जरूरत है सर, मैं आगे बताऊंगा उसका और डिटेल्स में आगे बताऊंगा, अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर का बेनिफिट वगैरह भी आगे बताऊंगा, है ना। ओके, और इसी जो कंपनी के नाम से हमें भरना है, तो अगर उसका जो डीएससी रहेगा वो डीएससी कंपनी के नाम पे रहेगा? आपके नाम से ही, दोनों आपके नाम से रहेगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सिर्फ अलग अलग होना चाहिए? अलग अलग, पर ये लीगल नहीं है, इलीगल है, मैं ये भी बता रहा हूँ। किसी ने कंप्लेन कर दिया तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर का रजिस्ट्रेशन जब्त हो जाएगा, क्योंकि आप लिख के देते हो अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर का रजिस्ट्रेशन डाल, लिख देते वक्त कि मेरे पास कोई काम नहीं है, तो फिर आप कॉन्ट्रेक्टर का कैसे कर रहे हो काम, या किधर जॉब कैसे कर रहे हो? समझ में आया ना? तो कोई कंप्लेन नहीं किया तो चला सकते हो, कंप्लेन किया तो आपके ऊपर एक्शन हो सकता है। जिनके पास अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर है वो दूसरा कुछ काम नहीं कर सकता, इसलिए वो अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर। सर, हाँ बोलिए। जो अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर बोल रहे हैं, तो क्या लोग जो लोग इंजीनियर है वो लोग के लिए होता है उन क्या? लोगों के लिए ये। हाँ हेलो बोलिए यहाँ सर, तक, और हाँ बोलिए सिंधु सर। हम ग्राम पंचायत का टेंडर भरने वाले हैं। बराबर, जिला परिषद में। हाँ, तो कहाँ से भरेंगे, सर कैसे? अभी हम लोग भरने का नहीं बता रहे, अभी सिर्फ मैं रजिस्ट्रेशन बता रहा हूँ सर, धीरे धीरे सब कवर करेंगे। हाँ वही वही, पर ग्राम पंचायत का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कहाँ करेंगे? यही वाला है, सेम प्रोसेस। आप चाहे पंचायत समिति का भरो, जिला परिषद का भरो, नगर हाँ परिषद का भरो, पीडब्ल्यूडी का भरो, इरिगेशन का भरो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भरो, पूना मेट्रो का भरो, या कोई भी मेट्रो का भरो, या कलेक्टर ऑफिस का भरो, किसी का भी भरो, रजिस्ट्रेशन सबके लिए एक ही रहेगा, अलग अलग नहीं। तो कंपनी डिटेल्स में हम ग्राम पंचायत का नाम डालना पड़ेगा ना? सर आपका नाम, आप किस नाम से काम ले लोगे, हाँ वो नाम, ठीक है ठीक है। जिस नाम से, मैं भगत, मेरा कंपनी का नाम क्या है, भगत टेक्नो, तो मैंने क्या हाँ डाला, भगत टेक्नो, बराबर। बगड़, हाँ ओके, हाँ अभी इस नाम बगड़, से मैं जो भी डिपार्टमेंट का काम लूंगा इसी नाम से लूंगा, इस नाम से हाँ मेरे पास करंट अकाउंट होना चाहिए, इस नाम से मेरे पास जीएसटी होना चाहिए, या जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा सब इसी नाम से होना चाहिए। हाँ ठीक। क्लियर है? कोई डाउट्स हाँ नो सर। और किसी को? हाँ हेलो सर, बोलिए निखिल सर। सर इसमें जो ग्राम पंचायत हाँ है तो वहाँ पे वो लोग भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्या? वो अलग है सर, वो हम लोग आगे बाद में डिस्कशन, फिलहाल हम लोग जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट पे फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना सर। तो यहाँ पे सेलर वाला ऑप्शन नहीं होगा? हाँ सिर्फ हम लोग अभी जो लोग सेलर है या फिर हम लोग जो लोग बिल्डर है उनके बारे में बात कर रहे हैं ना सर। चलिए नाम डाल दिया, अब इसके बाद है प्रिफरेंशियल बिडर। देखो प्रिफरेंशियल बिडर में कौन लोग आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एमएसएमई और मेक इन इंडिया। यदि आपकी कंपनी का उद्यम, एमएसएमई तो नहीं है फिलहाल, उद्यम या मेक इन इंडिया में रजिस्ट्रेशन है तो आप इसको टिक मार्क करोगे, यदि दोनों में से कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप इसको अनटिक कर दो। है मैंडेटरी नहीं है, है तो टिक करो और चूज करो, नहीं है तो इसको अनटिक कर दो। अब मैं नहीं बैठता हूँ, ना मेरे पास मेक इन इंडिया है ना मेरे पास एमएसएमई है, तो मैं इसको अनटिक कर दूंगा, है तो इसको टिक करो, प्रिफरेंशियल कैटेगरी है ना। क्लियर? नहीं है तो इसको निकाल दिए।
रजिस्ट्रेशन नंबर, अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर कोई भी डाल सकते हो, यदि आपके पास जिला परिषद या पीडब्ल्यूडी का लाइसेंस है तो लाइसेंस नंबर डाल दो, आपके पास दोनों लाइसेंस है। अभी कुछ लोग मुझे पूछते हैं सर मेरे पास जिला परिषद का भी लाइसेंस है और पीडब्ल्यूडी का भी लाइसेंस है तो मैं कौन सा नंबर डालूं, तो दोनों में से कोई भी एक नंबर डाल देंगे तो चल जाएगा, या जीएसटी नंबर डाल दो या शॉप एक्ट का नंबर डाल दो, कंपनी का रजिस्ट्रेशन का कोई भी एक प्रूफ का नंबर डालना, कोई भी एक। ऐसा नहीं है कि मैंने जिला परिषद का रजिस्ट्रेशन का नंबर डाल दिया तो मैं पीडब्ल्यूडी का टेंडर नहीं भर सकता, मैं सबका भर सकता हूं, सिर्फ आपका कंपनी का इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो आप कोई भी एक नंबर डाल दो। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं इसलिए कोई भी एक नंबर डाल दे रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मेरे पास रजिस्ट्रेशन आएगा, कोई रजिस्ट्रेशन बना लूंगा, जीएसटी बना लूंगा, शॉप एक्ट बना लूंगा या कोई डिपार्टमेंट से रजिस्ट लाइसेंस बना लूंगा, तब मैं इसको बदल दूंगा, बाद में एडिट करने को मिलेगा तो मैं बदल दूंगा। यहाँ पे सब कुछ एडिटेबल है, सिर्फ कंपनी का नाम आप बदल नहीं सकते और लॉगिन आईडी बदल नहीं सकते, ये दो चीज छोड़ के सब कुछ बदल सकते। एड्रेस, तो ये मेरा एड्रेस है, मैंने डाल दिया प्रॉपर। नेम ऑफ द पार्टनर या डायरेक्टर मैंडेटरी नहीं है, आप चाहो तो ऑप्शनल है डाल सकते हो, मेरा नाम आदित्य पंडित है तो मैं आदित्य पंडित डाल देता, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। है तो वेल एंड गुड, नहीं है डालेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंडेटरी फील्ड नहीं है, छोड़ दे रहा हूँ। बीडर इंडियन है तो इंडियन, हाँ बोलिए सर। ये जो प्रिफरेंशियल बीडर जो आप बता रहे हैं, हाँ जैसे सर क्या है कि मेरे पास तो दोनों है, एमएसएमई का भी और पीडब्ल्यूडी में भी, अगर मैं चाहूँ तो इसमें, मैं ऐसा नहीं बोला कर... इसमें दोनों में से मैं, इसमें मेक इन इंडिया और एमएसएमई जी सर वो नहीं कह रहा हूँ, मतलब मेरे पास है, अगर मैं इसको मतलब इसमें रखना नहीं चाहता, इंक्लूड नहीं करना चाहता तो नो कर सकते हैं? नो कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, रखना चाहते हो तो यस करो, इसके बेनिफिट्स अलग से मिलेंगे, मैं आपको आगे बताता हूँ। अच्छा ठीक हो गया, एड्रेस पिन कोड, यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर, ये मेरा पैन कार्ड का नंबर है, यहाँ पे कंपनी चालू हुआ 2000, मेरा 2013 में चालू हुआ, तो 2013 आपकी कंपनी कब चालू हुई? अभी चालू हुआ 22 में, तो 22 में कोई प्रॉब्लम नहीं। नेचर आपका क्या है, तो मैं सिविल वर्क, आप सिविल या फिर अब इलेक्ट्रिकल का भी सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क, ऐसा नहीं है कि मैंने सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क डाल दिया मैं कोई गुड सप्लाई नहीं कर सकता या कोई सर्विस लेबर मैन पावर सर्विस सप्लाई नहीं कर सकता, मैं सब काम कर सकता हूँ पर मेरा कोर बिजनेस क्या है, मैन पावर सप्लाई है तो मैं मैन पावर सप्लाई डालूंगा, पर ऐसा नहीं है कि मैं सिविल के काम नहीं ले सकता, मैं सभी काम ले पाऊंगा, सिर्फ मेरे कंपनी का प्रोफाइल क्या है, मतलब मेरा कोर बिजनेस क्या है वो आपको डालूंगा। लीगल स्टेटस, आपकी कंपनी कैसी है, लिमिटेड है, अंडरटेकिंग है, ज्वाइंट वेंचर में है, पार्टनरशिप में या अदर्स, अभी मेरी कंपनी प्रोप्राइटरशिप, तो अभी यहाँ पे तो प्रोप्राइटरशिप है ही नहीं तो मैं इसको क्या कर दूंगा, अदर्स, यदि लिमिटेड है तो लिमिटेड डालो, अंडरटेकिंग कंपनी है तो अंडरटेकिंग सोसाइटी वगैरह ये सब अंडरटेकिंग होती है, जेबी में है, दो कंपनी मिला के एक कंपनी है तो जेबी, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप, पर मेरी कंपनी प्रोप्राइटर्स है तो हम इसको अदर्स कर देंगे। कंपनी कैटेगरी किस कैटेगरी से है, अभी आपके पास एमएसएमई यहाँ पे टिक किया तो एमएसएमई में किस कैटेगरी में वो डालना है, या इसमें से आपके पास कोई भी लाइसेंस अवेलेबल है क्या, तो मेरे पास इसमें से कोई भी लाइसेंस नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको भी अदर्स, यदि है तो डाल दो, अदर्स भी करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्टेक्ट डिटेल्स, मिस्टर मिसेस डॉक्टर क्या है, मेरा मिस्टर, कौन है कॉन्टेक्ट पर्सन, मैं ही हूँ खुद आदित्य पंडित। डेट ऑफ बर्थ, आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो डाल दो, मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। डेजिग्नेशन मैंडेटरी नहीं है, छोड़ भी सकते हो, डालना है तो डालो, मैं प्रोप्राइटर RIETOR मैं प्रोप्राइटर हूँ, पार्टनरशिप होता था पार्टनर होता था। सेम यहाँ पे फोन नंबर, ये भी फील्ड मैंडेटरी नहीं है, छोड़ सकते हो या डालना है तो डाल सकते हो। IND इंडिया का कोड, यहाँ पे लैंडलाइन नंबर पूछ रहा है,
30 लैंडलाइन नंबर नहीं है इसलिए मोबाइल नंबर के फॉर्मेट में डाल देता हूँ। हो गया नहीं, नहीं डालना है तो आप छोड़ भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ये होने के बाद इसको कैप्चर यहां तक में कोई डाउट्स है तो बताओ, फिर से दिखाता हूं, किसी को कोई डाउट्स है तो बताइए। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, रजिस्ट्रेशन नंबर में कोई भी डालो सर, सॉपेक डालो, जीएसटी डालो, कोई लाइसेंस है तो वो डालो। नहीं यार, तो उसमें मैंने तो अभी मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है यार, ना तो फिलहाल आप कोई भी नंबर डाल दो, जैसे मैंने अभी डाला कोई भी नंबर, बाद में जब आ जाएगा तो मैं इसको एडिट कर लूंगा। अच्छा ओके, और कुछ डाउट? ये हो गया, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सबमिट। ओके देखो अभी क्या बोल रहा है, ये आईडी ऑलरेडी है बोल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ 0510 पे जगह 0510 कर देता हूँ, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ये आईडी ऑलरेडी बना हुआ है, मेरे नाम से दो आईडी बना रहा हूँ, 10 है तो 10 0510 कर देता हूँ, बाकी सब कुछ सेम, मेरे नाम से यहाँ पे दो आईडी बन गया, पहले एक ऑलरेडी आईडी था और ये दूसरा आईडी। सबमिट, ये मुझे एक बार चेक करने को बोल रहा है, मेरा आईडी क्या है अभी, आदित्य पंडित 10 0510, और ईमेल आईडी क्या है 0508, पर उसी फॉर्म में सिर्फ थोड़ा सा बदलाव, अभी मुझे आईडी याद रखना पड़ेगा क्योंकि अभी ईमेल आईडी और आईडी अलग अलग है। क्यों अलग लाला, क्योंकि 08 ऑलरेडी मैंने एक आईडी क्रिएट किया था 08 से, इसलिए मैं यहाँ पे आईडी अलग बना रहा हूँ, और एक बना रहा हूँ, मैं दो आईडी बना रहा हूँ, तो इसलिए 0510 डाल, बाकी पूरा डिटेल सेम भी रख। सेंड वेरिफिकेशन कोड, अभी देखो मोबाइल पे और ईमेल पे कोड आ जाएगा, वो कोड को डाल देना। दोनों सेम भी आप रख सकते हो, मोबाइल पे जो होता था ना वही ईमेल अलग आता है, पर आप दोनों सेम भी डाल सकते हो। अभी मैं जो मोबाइल पे आया वही कोड दोनों जगह डाल रहा हूँ। पासवर्ड, पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, मिनिमम 8 कैरेक्टर टू 32 कैरेक्टर होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, 0 to 9 का वर्ड भी होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए इसमें। तो मैं पासवर्ड क्या डाल रहा हूँ, एडमिन का कैपिटल @123, एडमिन का ए कैपिटल @123, सब आ गया और कैप्चा। इसको करेंगे सबमिट, पासवर्ड हैज बीन जनरेटेड एंड चेंज सक्सेसफुल, क्लियरली लॉग इन होम पेज विथ योर न्यू पासवर्ड, हो गया मेरा लॉग इन, क्लियर है? किसी को कोई डाउट्स यहां तक में? तो मैं लॉग इन करके देखता हूँ हो रहा है कि नहीं। होम, यहाँ पे क्लिक है टू लॉग इन, मेरा लॉग इन आईडी क्या है, आदित्य पंडित 0510 08 लॉग इन आईडी, ईमेल आईडी है और लॉग इन आईडी हमारा अलग है। पासवर्ड एडमिन का ही कैपिटल @123 सर, वो जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जो डेजिग्नेशन है, हाँ उसमें आपको जो भी है प्रोप्राइटर ओनर कुछ भी डाल सकते, पर मैं लॉगिन तो हो गया, लॉगिन होने के बाद मुझे यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर ऐड करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, जैसे मैं साइन इन सर्टिफिकेट करूंगा अब इसके आगे मैं नहीं जा सकता जब तक मैं यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर ऐड नहीं करूंगा, ऐड करने के लिए साइन इन सर्टिफिकेट, पर यहाँ पे हम लोग ऐड नहीं कर सकते, हमने इसलिए सिस्टम का सेटिंग भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, पर मैं ब्राउजर क्या यूज कर रहा हूँ, क्रोम, और क्रोम पे ये काम होता नहीं, तो मुझे दूसरा ब्राउजर से डीएससी को मैप करना पड़ेगा,
और जब तक मैप नहीं करेंगे तब तक हम इसके आगे नहीं जा सकते। मैं इसके आगे आप डीएससी का मैपिंग का तरीका बताता हूँ।